अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या पास्ट में थी या फ्यूचर में आएंगी तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको मेरी ये बात हजम नहीं हुई तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स के ऐसे 5 फायदे जिनको सुनने के बाद आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी नहीं, और जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आप कहोगे अब ऐसा तो है नहीं कि जो लोग खुश रहते हैं या जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन फर्क होता है उनके एटीट्यूड का। वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को फायदे में कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, मूव ऑन करते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं और स्माइलते जाते हैं। सोचो अगर वही एटीट्यूड आप भी डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स के ऐसे 5 फायदे डिस्कस करूंगा जिनको सुनने के बाद आपको भी प्रॉब्लम्स नहीं लगेंगी, आपको भी प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज लगेंगी और आप भी प्रॉब्लम्स पे बल्ले बल्ले कर पाओगे। पहला फायदा तो यह है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स के आने पे ही खुलते हैं। बहुत बार किसी रिलेशनशिप के टूटने पे, किसी जॉब के हाथ से जाने पे, किसी प्लान के फेल होने पे हमें लगता है कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में हमें आंसर मिलते हैं कि ये होना बहुत जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई रिलेशन पास्ट में टूटा, लेकिन आज आप गलत इंसान की जगह सही इंसान के साथ हो। पास्ट में कोई जॉब आपके हाथ से गई, लेकिन आज आप बेटर जॉब में हो या फिर अपना बिजनेस है। जब भी कोई दरवाजा बंद होगा तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुलने के लिए तैयार होता है। स्टीव जॉब्स को भी अगर किसी टाइम पे एप्पल से निकाला ना गया होता तो नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज वो कभी नहीं बनाते। मतलब अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो बहुत सारे नए और अच्छे दरवाजे कभी खुलेंगे ही नहीं। सो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, अगर कोई दरवाजा बंद हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक नया दरवाजा आपके लिए खुलने के लिए तैयार है। दूसरा फायदा यह है कि प्रॉब्लम्स हमें सही रास्ते पे ले आती हैं। याद है बचपन में जब पेरेंट्स कहते थे कि ये चीज गर्म है, इसको मत छूना, इसके पास मत जाना, लेकिन जब तक हाथ जला नहीं तब तक हम समझे नहीं। हम में से ज्यादातर लोग ना खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी आदतें, अपनी कंडीशंस जैसे भी हैं, चाहे कितने भी खराब हो, कितने भी बुरे हो, हम चलने देते हैं, लेकिन फिर हम पे कोई प्रॉब्लम आती है जो हमें मजबूर कर देती है ट्रैक पे वापस आने के लिए, हमें मजबूर कर देती है खुद को बदलने के लिए, हमें मजबूर कर देती है राइट स्टेप्स लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल पहले तक मैंने कभी अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की, एक्सरसाइज 0 थी, खाता बेहिसाब था और ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी। फिर हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई, गंदा वाला बीमार हुआ, सपने कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से छूटते नजर आ रहे थे, कई दिन हॉस्पिटल में वेस्ट होते नजर आ रहे थे। फिर डिसाइड कर लिया कि आज के बाद रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट, और वो आदत आज भी चल रही है, लेकिन शुरू कैसे हुई? प्रॉब्लम से। सो आगे से लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो परेशान होने की जगह खुद को बधाई दो और देखो कि इस प्रॉब्लम में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है खुद को ठीक करने की, खुद को करेक्ट करने की और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने की। थर्ड फायदा है वैल्यूएबल लेसंस। ये लाइफ की सड़क पे जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो स्टॉप का साइन नहीं है, बल्कि वो हमारी गाइडलाइंस है। जब भी लाइफ आपको जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स देती है तो समझ लो कि लाइफ आपके ऊपर लेसंस को फोर्स कर रही है, और ये लेसंस आपको ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया तो इसमें भी तो लेसंस हैं। हमें पता चला कि ऐसी कौन सी गलतियां उस इंसान ने की जो हम अपने फ्यूचर रिलेशन में ना करें, हमें पता चला हमारी क्या गलतियां थी जो हम सुधार सके, हमें पता चला कैसा इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, कैसा इंसान हमारे लिए ठीक है। अब इन्हीं लेसंस का हमारे फ्यूचर रिलेशन में या हमारी मैरिड लाइफ में हमें ही फायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो अच्छा अच्छा ब्रेकअप से फायदा होता है तो हर रोज एक नया रिलेशन, हर रोज एक नया ब्रेकअप। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टूडेंट की फैमिली में स्ट्रेस है, उसके पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है, तो स्टूडेंट को यह मैसेज मिल रहा है कि फैमिली टेंशन का, फैमिली स्ट्रेस का बच्चों पर क्या असर होता है, तो वो अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में एक बेटर फादर और बेटर मदर बन सकता है। ऐसे बहुत बार बिजनेस के फेलियर्स भी हमें बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा जाते हैं। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ को जब हम देखते हैं ना तो हमें सिर्फ उनका सक्सेस नजर आता है, लेकिन अगर उनकी लाइफ को स्टडी करो, अगर उनकी बायोग्राफी को पढ़ो तो आपको नजर आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स। इन्हीं प्रॉब्लम्स से वो सीखते गए, आगे बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुंच गए। फोर्थ पॉइंट है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालती है। हम सबके अंदर पोटेंशियल होता है, हम सबके अंदर कैपेबिलिटीज होती है, हम सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है जो हम बहुत बार बाहर नहीं निकालते,
लेकिन शुक्र है कि ये प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं और हमारे पोटेंशियल को बाहर निकालती हैं। अपना एक पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरे ये रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ और कुछ और चोटें भी लगी। जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था तो मैंने लिखना शुरू कर दिया और अपने अंदर के राइटर को मिल पाया। वो एक्सीडेंट ना होता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर भी एक राइटिंग का कीड़ा और पोएट्री का कीड़ा है। ऐसे ही सोयशिरो होंडा ने जब टोयोटा में अप्लाई किया तो उनको बोल दिया गया कि आप इस जॉब के काबिल नहीं है। इस प्रॉब्लम ने, इस रिजेक्शन ने उनके अंदर का हिडन पोटेंशियल निकाला, उनके अंदर का बिजनेसमैन निकाला और उन्होंने बना दी होंडा मोटर्स, जो आज टोयोटा के कॉम्पिटिशन है। ऐसी ना जाने कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं जिनकी रेसिपी को अगर आप देखोगे ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मिलेगा आपको प्रॉब्लम्स का। मतलब साफ है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आपको मौका मिल रहा है अपने हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का, अपने अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का। फिफ्थ पॉइंट, ये प्रॉब्लम्स आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉशिंग मशीन की तरह है। ये प्रॉब्लम्स आपको मोड़ती हैं, मरोड़ती हैं, घुमाती हैं, चटपटाती हैं, झटके देती हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी और महकती है, आपकी पर्सनैलिटी और चमकती है, आपका कॉन्फिडेंस और ग्रो कर जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम और बढ़ जाती है। प्रॉब्लम से डील करने का एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम को फेस करने का एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एक्सपीरियंस आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा देता है, आपकी सेल्फ एस्टीम और बढ़ा देता है। सो दोस्तों, आज के बाद लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को याद कर लेना, खुद को बधाई देना और ये प्रॉब्लम्स के 5 फायदे याद कर लेना कि प्रॉब्लम्स आपके लिए नए दरवाजे खोलती है, प्रॉब्लम्स आपको सही रास्ते दिखाती है, प्रॉब्लम्स आपको लेसन सिखाती है, प्रॉब्लम्स आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल बाहर निकालती है और प्रॉब्लम्स ही आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को और बढ़ा देती है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती है लेकिन ज्यादातर लोग कंप्लेन करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी सोशल लाइफ खराब करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो प्रॉब्लम्स की तरफ आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपकी लाइफ में खुशी और बढ़ेगी, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी सोशल लाइफ में खुशियां बढ़ेंगी, स्ट्रेस और टेंशन दूर रहेंगी, आप ग्रो करते जाओगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉब्लम की तरफ आपका नजरिया, प्रॉब्लम्स की तरफ आपका एटीट्यूड बदला है तो आसपास का माहौल, आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाने में आप मेरी मदद कीजिए। इस दुनिया में हर किसी की लाइफ प्रॉब्लम से भरी है तो मैं और कुछ नहीं चाहूंगा, बस इतना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कीजिए सो दैट हम लोगों का भी प्रॉब्लम्स की तरफ नजरिया बदल सके और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सके। सो खुशियां बांटते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।